नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम तारा सिंह जी के यहाँ आए थे, जिनकी मात्र 32 वर्ष की उम्र थी और वो बाइक से जा रहे थे और उन्हें बाइक से खींच लिया था टाइगर ने। बड़ी मुश्किल से उनकी बॉडी रिकवर करी गई थी वन विभाग द्वारा। तो जब मैं उनके घर गया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पर इस टाइम गाड़ी चल रही है, इस रास्ते पे तो टाइगर की मूवमेंट हाई है, 100% हाई है, यहीं रहता है वो, और 5 बजे के बाद इस रास्ते से कोई जाना पसंद नहीं करता। अभी हालांकि 5:30 का समय होने वाला भी है, तो वो बता रहे थे कि शाम को तो इस रास्ते पे कोई पसंद करता ही नहीं जाना, लेकिन दिन में भी यहाँ बहुत खतरा है। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक और भी बात बताई थी कि यहाँ तो एक ही टाइगर की मूवमेंट है, लेकिन एक पूरनपुर रोड है जो कि खटीमा जाती है इधर की साइड से, पीलीभीत से खटीमा जाती है, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी यहाँ पास में ही है, जहाँ पर उत्तराखंड के टाइगर्स की मूवमेंट भी रहती है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के टाइगर की मूवमेंट भी रहती है। तो वो पूरनपुर रोड दोस्तों आज हम चल रहे हैं, आज हम अभी थोड़ी देर और अंधेरा करेंगे, फिर पूरनपुर रोड की नाइट ड्राइव करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, थ्रिलिंग नाइट ड्राइव हम बनाते ही रहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, इस पूरनपुर रोड की एम्बियंस देख के, खटीमा रोड की एम्बियंस देख के, वाकई में लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि यहाँ उत्तराखंड के टाइगर भी हैं और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के टाइगर भी हैं और दूसरे वन्य जीव भी हैं। एक तरह से बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि देखिए कितना सुनसान हो रखा है ये एरिया। गाड़ी भी देरी में आ रही है, यहाँ पे आ तो रही है गाड़ी, लेकिन काफ़ी देरी में आ रही है, तो काफी समय मिल जाता होगा एनिमल को क्रॉस करने के लिए। दोस्तों, धीरे धीरे चलेंगे, दोस्तों टाइगर दिखता कि नहीं दिखता ये तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन इस जगह का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि एक एक रात में, मतलब एक एक ड्राइव में लोगों ने 5 टाइगर भी देखे हैं हर कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे। जहाँ से हम इस रोड पे चढ़े हैं, खटीमा रोड पे, यहाँ से खटीमा की दूरी अराउंड 32 या 33 किलोमीटर्स है, तो लंबी नाइट ड्राइव है ये, और है भी एकदम टाइगर एरिया से। दोस्तों देखते हैं क्या होता है। दोस्तों एकदम कोर टाइगर टेरिटरी में, बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी लेके चल रहे हैं, लेफ्ट पे भी नजर बना के और राइट पे भी नजर बना के। ये पूरनपुर रोड दोस्तों फेमस है, फेमस, फुल फेमस। खटीमा पूरनपुर रोड, दोस्तों गाड़ी की हाई बीम भी ऑन कर दी है, दोस्तों जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैं एक टाइगर अटैक विक्टिम के घर गया था,
जिनको टाइगर ने किल कर दिया था अभी कुछ दिन पहले। तो ये वही एरिया है, ये वही रेंज है जंगल की, वो सुरई रेंज थी और ये भी सुरई रेंज चल रही है जंगल की। दोस्तों जंगल एकदम घनघोर चल रहा है, घनघोर। ये जंगल नेपाल तक जाता है दोस्तों, नेपाल तक। किसी भी टाइम किसी भी जानवर की साइटिंग हो सकती है दोस्तों। हर जगह बोर्ड वगैरह सब लगे हुए हैं, आरक्षित वन क्षेत्र है ये, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। दोस्तों जैसे अभी अब कुछ दिन पहले हमने लेपर्ड की फैमिली ढूंढ ली थी नाइट ड्राइव में, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसकी रिसेंटली। आज नजरें टाइगर को ढूंढ रही हैं। फुल अलर्ट। दोस्तों एक बात यहाँ नोटिसेबल है कि चाहे गाड़ी उधर से आ रही हो, चाहे गाड़ी हमारे पीछे से हमें ओवरटेक करके जा रही हो, जैसे कि हम तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन जा सब ग्रुप में ही रहे हैं, अकेले गाड़ी हमारी चल रही है बस इस तरह से, मतलब या एक का दुक्का कोई गाड़ी दिखी होगी, अदरवाइज सारी गाड़ियाँ ग्रुप में जा रही हैं, उधर से भी इधर से भी। ऐसी रोड पे तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं दोस्तों, एकदम रिजर्व फॉरेस्ट है ये। रिजर्व फॉरेस्ट हमेशा मैंने देखा खतरनाक होते हैं, यहाँ के रूल रेगुलेशन भी अलग होते हैं। रुक नहीं सकते, टॉर्च नहीं मार सकते, स्पीड लिमिट का भी बहुत रहता है इसमें दोस्तों। रोड है ही इतनी पतली, दोस्तों ये एरिया थोड़ा खुलासा आ गया। खुलासा मतलब जैसे ये पेड़ है ना इनके पीछे, ऐसा जैसे ग्रासलैंड जैसा एरिया,
एकदम से अभी दोस्तों पीछे ऐसा लगा जैसे कुछ बैठा हो। दोस्तों अब तो हम खटीक मार्ग काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच गए हैं, तो रोड पे ट्रैफिक दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ पे आके दूसरी रोड मिल रही है। अदरवाइज जो वो रिजर्व फॉरेस्ट वाला जो एरिया था ना, उस पर तो कोई भी गाड़ी नहीं थी, कोई भी गाड़ी, बिल्कुल भी कोई गाड़ी नहीं, ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर, बहुत ही रेयरली। क्योंकि इधर भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ भी है तो पूरा जंगल ही दिखने को, टाइगर यहाँ दिख जाए, लेकिन जो वो वाला एरिया था ना रिजर्व फॉरेस्ट वाला, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो एक पल के लिए भी अच्छी लगी हो ना, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्वाइन भी कीजिएगा। आने वाला कंटेंट बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।